सीलेंट डेटा का एक नोट में पॉइंट लिखना है बेटा आपको, ठीक है। सीलेंट्रेट्स भी अमोनोटेलिक होते हैं। सारे लोग जुड़ गए बेटा, आज बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, क्या बात है, अभी तो इतना टाइम हो गया। अरे 2 मिनट तो टाइम एक्स्ट्रा हो गया भाई, एकदम टाइमली बेटा आप लोग सारे लोग जुड़िए, है ना, लेट बिल्कुल भी मत करिए वरना कॉन्सेप्ट पे ब्रेक होगा आप लोगों का। ध्यान देना बेटा, एक पॉइंट हमको नोट में लिखाना है, जैसे हमने आपको पोरीफेरा में बताया था कि वो अमोनोटेलिक होते हैं, वैसे ये भी अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक का मतलब अमोनिया जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या हो, अमोनिया, और अमोनिया होती है जो बेटा वो हाईली सोलबल इन द वाटर होती है। अब चूंकि पानी में ही रहते हैं तो इसलिए सीधे बॉडी सरफेस से निकल जाएगी अमोनिया, और इनका जो एक्सक्रीटरी ये तो वेस्ट हो गया अमोनिया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है तानिया। ओके बेटा सुनो ध्यान से तनिषा, ठीक है, मैंने कहा बेटा जो अमोनोटेलिक उनको बोला जाता है जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, अमोनिया। ये बातें हम आपको फिर पढ़ाएंगे जब आप पढ़ोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहां पर बताएंगे, ठीक है। तो अमोनोटेलिक उनको बोला जाता है बेटा जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या हो, अमोनिया, और अमोनिया जो होती है वो हाईली सोलबल इन द वाटर होती है और हाईली टॉक्सिक भी होती है, ठीक है। तो चूंकि ये पानी में ही रहते हैं इसलिए बॉडी वॉल से सीधे ये रिलीज हो जाएगी पानी में, क्लियर हो बेटा, तो अमोनिया डिफ्यूज होकर सीधे पानी चले जाएगी बॉडी वॉल से। लेकिन इनका जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो अब चूंकि कह रहे हो कि सर ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं, तो एक सिंगल ओपनिंग होगी एलिमेंट्री कैनाल में, वो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करेंगे, तो जिस रास्ते से खाएंगे उसी रास्ते से निकालेंगे भी, है ना। तो यही पॉइंट आपको नोट में क्या लिखना है बेटा, सीलेंट्रेट का पॉइंट है बेटा, सीलेंट्रेट बैक हो जाना है आपको। इन सीलेंट्रेट्स अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड आउट, ये पॉइंट हम लिखाते चाहे ना लिखाते इसको तो आप खुद ही समझ सकते थे, थ्रू माउथ, क्योंकि सिंगल ओपनिंग है वो माउथ और एनस की तरह काम करती है, वो बेसिक पॉइंट में आप जान ही चुके हैं। एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, ब्रेकअप लिखना है अमोनिया, एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट डिफ्यूज्ड आउट थ्रू बॉडी वॉल। ये पॉइंट नोट कर लीजिए बेटा आप लोग फटाफट प्लीज, नोट हो गया, वेरी गुड, कॉल डाउन। थ्रो माउथ एंड एक्सिटिव वेस्ट, एक्सिटिव वेस्ट की बात करें क्या होगा बेटा, अमोनिया डिफ्यूज्ड आउट थ्रो बॉडी वॉल, ठीक है, वेरी गुड। एक पॉइंट और बेटा, वहां पर आपने देखिए जो तीनों फोर्स पढ़े हो ना, तीनों फोर में एक एग्जाम्पल बना लीजिए, तीनों फोर में एक एग्जाम्पल और बना लीजिए बेटा, हॉर्मीफोरा, इसको सी वॉलनट भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल बेटा तीनों फोर कल पढ़े ना, जो कल फाइलम फिनिश किया आपने, उसमें एक एग्जाम्पल बना लीजिए हॉर्मीफोरा, इसको सी वॉलनट भी बोलते हैं। और जहां पर देखिए आपने लिखा हुआ है प्लूरोब्राकिया लिखा हुआ ना आपने, इसको सी गूजबेरी भी बोलते हैं, सी गूजबेरी। ये दो चीजें बढ़ा लीजिए बेटा उसमें एग्जांपल में, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लैटिहेल मेंटेन्स, ठीक है, जल्दी करो बेटा आप लोग। चलिए एक एग्जांपल हमने सिस्टम भी लिखा हुआ होगा, है ना, लिखा है ना, सिस्टम के भी ब्रैकेट में लिख लो बेटा, वीनस गर्डिल,
जहां पर आपने सिस्टम लिखा हुआ सिस्टम, हाँ यस यस ठीक है बेटा, डाल दूंगा डाल दूंगा। जहां पर आपने सिस्टम, अरे भाई एक एग्जांपल सिस्टम भी लिखा हुआ है आपने तीनों फोर का, उसको वीनस गर्डिल भी डाल लिख लीजिए, ये भी नाम देते हैं। चलिए हो गया बेटा, चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा फटाफट। वेरी गुड, ध्यान सुनिए। प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी वर्ड जो आया, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट। प्लेटी वर्ड जैसे प्लेट, और प्लेट कैसी होती है, फ्लैट ही तो होती है। तो प्लेटी हेलमेंथिस वो फाइलम है जिनके अंडर में आने वाले एनिमल जो होते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। डोर्सो का मतलब ये साइड, और वेंट्रली मतलब ये साइड। तो ये ऐसे दबा दीजिए तो पतला सा ऐसे बन जाएगा ना हम लोग। जैसे ये देखिए, ये जो हमारा फोन है, ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है इस तरीके से। ये देखिए तो डोर्सल साइड भाई, जिधर से उंगलियां चलाते रहते ये वेंट्रल साइड होता है, ये डोर्सल साइड। तो डोर्सो वेंट्रली क्या है, ये फ्लैट। तो पहला पॉइंट हमको यहीं पर सीधे यही लिखना है, द एनिमल्स belonging to this phylum are dorsoventrally flat. समझ आगे बेटा, पहला पॉइंट यही लिख लीजिए, उसके बाद हेडिंग डालें हम लोग बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। फाइलम का मतलब इसके अंतर्गत आने वाले एनिमल्स का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लिख लिया बेटा पॉइंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला ही पॉइंट क्या आता है बेटा, हम किसकी बात करते हैं, हैबिटेट की। तो सबसे पहला ही पॉइंट हमारे पास आएगा कि व्हाट इज द हैबिटेट, ये रहते कहां है। तो हैबिटेट का मतलब भैया हुआ कहां रहते हैं। अभी तक आप चले आ रहे थे, कहते हो सर पानी में रहते हैं, पानी में रहते हैं, और वो भी ज्यादातर समुद्री वाटर में। लेकिन ये वाले पहली बार है, ये अब आप आपसे दोस्ती करेंगे, एनिमल्स से जो हायर एनिमल्स हैं उनसे दोस्ती करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, कहेंगे ऐसे अपने अंदर हमको जगह दे दो, हम आप ही के अंदर रहना चाहते हैं। तो हमारे अंदर रहना चाहते हैं मतलब बॉडी पर भी रह सकते हैं या बॉडी के अंदर रह सकते हैं, क्या हो गए पैरासाइट। तो पैरासाइट में मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, यस लाइक टेपवर्म, वो हम देखेंगे भी यहां पर, ठीक है ना बेटा। तो फटाफट पॉइंट लिखिए, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, हाँ यस यस दीपांशु, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड में पाया, मतलब जमीन में भी रहते हैं ये, और कुछ फ्रीली स्विमिंग भी होते हैं, वाटर में रहते हैं उसमें भी, मैरिन, ठीक है ना। तो मोस्टली एंडोपैरासाइट। फिर बेटा एक्वाटिक, मोस्टली मैरीन, एक्वाटिक वाले में भी ज्यादातर मैरीन वाले होते हैं, जो एक्वाटिक होंगे जो पानी में रहेंगे वो ज्यादातर मैरीन में होंगे, मैरीन वाटर में। और क्या होंगे बेटा, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड पर पाए जाने वाले, है ना, नोट करिए फटाफट।
बेटा कल हमने जब आपको टीनोफोरा पढ़ाया तो टीनोफोरा में एक वो पॉइंट रिप्रोडक्शन लिखा था कि दीज आर द हर्माफ्रोडाइट एंड फर्टिलाइजर इज एक्सटर्नल, लिखा हुआ है पावनी? यस यस यस, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, फिर ये नोट कर लिया बेटा, डालो क्या बोलो बेटा, मैं डालू? यस। अब ध्यान सुनना बेटा, कुछ बातें हैं जो ऑलरेडी इसकी पढ़ चुके हो प्लेटियल मेंथिस की बेसिक पॉइंट में, वो पॉइंट हम आपको नहीं लिखाएंगे। जैसे सबसे पहले बात हम करेंगे किसकी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहां पर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा जल्दी बताइए फटाफट बेटा, ऑर्गन तो लिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। उसके बाद सिमेट्री की बात करें बेटा, तो सिमेट्री ना ना बायलेटरल, यस, तो वो भी नहीं लिखाएंगे हम आपको। और सिलोम की अगर हम बात करें आपसे, तो सिलोम ये एसिलोमेट होते हैं, वेरी गुड, तो ये भी हम आपको नहीं लिखाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो बोलो बेटा, जर्म लेयर की बात करें तो नो ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्राइकर प्लेट कार तक पहुंचा दे, ट्राइकर प्लेट कार तक पहुंचा दे, ट्राई मतलब ट्रिप्लो और कार मतलब कॉर्डेट, ट्राइकर प्लेट्स कार तक, तो प्लेटी एलिमेंटेड तो कॉर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये पॉइंट सब आपको हम नहीं लिखाएंगे बेटा, ठीक है ओके। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है तो वो भी लिखाने की जरूरत है क्या? लेकिन वो लिखाएंगे थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आएगा, है ना, वेरी गुड कोलिना। चलिए तो नेक्स्ट कैटेगरी डाली बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ हाँ यस यस दीपांशु, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा ना, ऐसे ही कंपटीशन अपने अंदर बना के रखो। कल मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने डीपीपी भेजा मुझे और डीपी वो क्या बोलते हैं नोट्स का पीडीएफ भी भेजा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इस तरह से कंपटीशन बनाए रखो अपने अंदर, जितना का बढ़िया कंपटीशन होगा आपके अंदर, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन यानी सब्जेक्ट को लेकर के नहीं, हम इनसे आगे रहेंगे, हम इनको अपने आगे निकलने नहीं देंगे, हर कोई इसे सोचना है अपने आप को और अच्छी रैंक लानी है टेस्ट में, मस्त बन जाएगा, सुपर डुपर हिट बैच आपका निकल रहा है। ठीक है सर, कस्क्यूटा कौन से फाइलम में आता है? कस्क्यूटा अमर बेल होता है बेटा, वो फाइलम नहीं, वो तो प्लांट है, ठीक है, वो आपके बॉटनी वाले सर से पूछ लेना, वो फाइलम में नहीं आता बेटा, ठीक है, क्योंकि हम एनिमल किंगडम कर रहे हैं तो हम प्लांट की तो बात ही नहीं करेंगे। चलिए बेटा बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की जरा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा बेटा यहां पर? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, आप पहले ही जान चुके हो कि सर सिंगल ओपनिंग होगी जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करेगी, बस यहां पर एक पॉइंट ही लिखना है बेटा आपको, इन टेप वर्म, डाइजेस्टिव सिस्टम इज अब्सेंट। टेप वर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखेगा। नोट कर लीजिए, अब कुछ लोगों के अंदर दिमाग में सर टेपवर्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता, ये कैसा कैसे हो सकता है? हाँ यस, कोलिना का देखो क्वेश्चन भी आ गया, आप नोट करो, भी बताता हूं बेटा। यस 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 खुशी, यस वेरी गुड खुशी, यू आर राइट, हाँ यस कोलिना, देखो बेटा क्या ये हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, तो होता क्या है कि हम खुद ही खाना डाइजेस्ट कर देते हैं और सीधे क्या करता है ये डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बॉडी सेल को न्यूट्रिशन ही तो चाहिए, तो एब्जॉर्ब कर लिया सीधे न्यूट्रिशन, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या जरूरत है इसको? वेरी गुड यस यस, समझा गया बेटा पॉइंट, फटाफट नोट करिए। यस, एक पॉइंट इसके बाद आपको नोट में लिखना है बेटा,
ये तो देख लीजिए, मान लीजिए ये हमने प्लेनेरिया को दिखाया हुआ है इस तरीके से, समझ लो ये माउथ हो गया बेटा इसका, ठीक है। तो भाई ये इसकी आपको बनाना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाएगा पॉइंट, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यस, तो देखिए बेटा ये वाला स्पेस खाली दिख रहा है आपको ना, ये तो हो गई एलिमेंट्री कैनाल, यानी हो गया गट और ये हो गया माउथ। ये क्या हो गया? माउथ। और ये हो गई क्या बेटा? आउटर बॉडी वाले हैं, आउटर बॉडी वॉल लेयर। आप इसको क्या बोलोगे बेटा? इपिडर्मिस। बोलो बोलो। हॉस्पिटल तो सर की गाड़ी ले लो ना, बगल सर की, सर बगल सर की। देखो बाइक है, बाइक जाती है, उसको भी चला दी। अभी मेरे फोन उठा, सर से पूछ लो जाकर के, बगल बगल सर में, ठीक है ना? फिर वहीं रखी जावे, समझ लीजिएगा। देखो बेटा, तो ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस दिख रहा है, ठीक है ना? इस स्पेस को बोलते हैं, ठीक है ना? ये जो स्पेस, यानी ये कैविटी है एक तरीके से, ठीक है? यानी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस है। यहां पर एक टिश्यू पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, और इस टिश्यू का नाम होता है बेटा पैरेन्काइमा, ठीक है? अब जो भी खाना एब्जॉर्ब होके आता है, जैसे थोड़ी देर के लीजिए, मान लीजिए कि ये क्या है, वैसे तो आप इसको टेपवर्म नहीं कहोगे क्योंकि वहां पर तो एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है, चलो तो प्लेनेरिया ही मान लेते हैं। तो इसने जो भी कुछ खाया होगा बेटा, खाना यहाँ आया, ये देखिए डाइजेस्ट हुआ, ये खाना क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। तो ये डाइजेस्टेड फूड क्या होगा? एंडोडर्मिस में पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर इसी से कहां पहुंच जाएगा? ये इस पैरेन्काइमल फ्लूइड में, और फिर इसी पैरेन्काइमल फ्लूइड में क्या होता है, ऐसे ऐसे सर्कुलेट होता रहता है, तो क्या मिलेगा? ये बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा देगा। हाँ मुझे मालूम है, कुछ लोग, अभी मैं ये कहने भी जा रहा था कि पैरेन्काइमा टर्म आप प्लांट में भी सुनोगे, प्लांट एनाटॉमी में, ठीक है? तो सेम नाम है, कोई फर्क नहीं है। आ गया बेटा समझ में? तो पैरेन्काइमा टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, क्योंकि यहां पर बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। जब सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कोई काम नहीं होगा, तो फिर बॉडी को न्यूट्रिशन तो चाहिए ही, सारी सेल को। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? बोलिए जल्दी। तो आप, अगर आपका मन बोले तो आप बना भी सकते हो ऐसे, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बेटा? हाँ वेरी गुड, बना लो तब भी ठीक ही रहेगा। इस सीटी का मतलब बेटा कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है ना बेटा, टेस्ट में आपका सिलेंट्रेटा तक आएगा, डोंट वरी, ठीक है?
हो गया बेटा, बना लिया, जल्दी करिए। तो बस यही पॉइंट लिखाना था मुझे नोट में, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, लिखाने वाला पॉइंट डायग्राम में सीधे आपने बना ही लिया। तो यहां पर पैरेन्काइमल फ्लूइड जो है वो वैस्कुलर सिस्टम की तरह काम करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है बेटा, ध्यान रखना ये। ओके पढ़े आगे बेटा। क्या एक्स्ट्रासेलुलर बेटा? अच्छा डाइजेशन, डाइजेशन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, डाइजेशन के पॉइंट पे बोला जाता है एक्स्ट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर। ठीक है बेटा, हो गया। एक पॉइंट और नोट में लिख लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉमा सर्कुलेटरी सिस्टम कॉमा स्केलेटन सिस्टम, अब्सेंट इन प्लेटी हेलमेंथीज। नोट कर लो बेटा, हो गया बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो बेटा फटाफट। तो ये एनरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं बेटा, ठीक है, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पे नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम पैरेन्काइमल टिश्यू ने कर दिया। स्केलेटल सिस्टम भी यहां पे नहीं होता। ओके चलिए नेक्स्ट हेडिंग ले बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का ही पॉइंट है। नेक्स्ट पैरासिटिक एडाप्टेशन, पैरासिटिक एडाप्टेशन, आपने अभी भी कहा था सर कि कुछ जो होते हैं एंडो पैरासाइट होते हैं मोस्टली, यानी पैरासाइट जो होते हैं, तो जो एंडो पैरासाइट है आप खुद समझो थोड़ी देर के लिए कि जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कोई प्लेटी एलिमेंटीज है, आप वैसे जानते ही हो कि टेप वर्म पाया जाता है, तो टेप वर्म सपोज करो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है, तो अब हम खाना जो भी खाते हैं तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या चलता है बेटा, पेरिस्टेल्सिस, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से ऐसे ऐसे खाना हमारा धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकता जाता है। अब वो खाना जब नीचे की तरफ सरकता जाता है तो जाहिर सी बात जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हो कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को तो आप सुबह निकाल के आते हो बाहर, क्यों भाई? तो ये बताओ जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल नीचे से बाहर निकल गया तो फिर ये क्यों नहीं निकलता? अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में था तो इसको भी बाहर पास हो जाना चाहिए, तो उसी के साथ साथ, बट फिर भी नहीं जाता। ये क्या वजह है, किसकी वजह से ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में रुका हुआ है, वो कौन से इसके अंदर मॉडिफिकेशन है जिसकी बदौलत ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में अंदर बना हुआ है? यस, स्टिक रहता है, क्यों, किसकी बदौलत, देखिए जरा। पढ़ाने को बेटा हुक्स, ये पॉइंट लिया, हैव फॉलोइंग करेक्टर, हैव फॉलोइंग करेक्टर्स फॉर एडॉप्टेशन। फॉर एडॉप्टेशन का मतलब पैरासिटिक एडॉप्टेशन, ठीक है ना? तो नंबर वन पे हुक्स, हुक्स क्या करेंगे बेटा, फॉर अटैचमेंट होता क्या है बेटा, जैसे थोड़ी देर के लिए मेरे ये हाथ को मान लीजिए कि ये भाई क्या है प्लेटी एलिमेंथिस, तो इसमें ऐसे हुक हैं और ये हुक हैं, तो जाहिर सी बात अब इसको हमको अपने शर्ट पे मान लो अगर रोकना है तो हम क्या करें, इसको ऐसे फंसा ले, ये देखिए
तो आप ऐसे फंसाओगे तो आप कितना भी ताकत लगाओ, अगर आप इसको हटाना भी चाहे तो शर्ट के बटन भी टूटते जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार हमारी एलिमेंट्री नल के वॉल में अपने कांटों को चुभा देता है, इस तरीके से धंसे रहते इससे कांटे। अब कितना भी प्रेस टेंसिस करते रहो ये जाएगा ही नहीं, वहीं टिका रहता है। ठीक है, पहला ये। दूसरा सकर्स, ठीक है, सकर क्या करता है बेटा, फॉर अटैचमेंट, एंड फॉर टेकिंग फूड। तो अभी आपने सोच रहे होगे सर ये फूड लेता है सकर से, तो अभी आपने कहा था बॉडी सरफेस से लेता है, बॉडी सरफेस से भी लेता है, यहां से भी लेता है। ये देखिए आपने आइसक्रीम जरूर खाई होगी स्ट्रॉ डाल करके, स्ट्रॉ तो क्या करते हो ऐसे करते नहीं करते हो, तो ठीक ये भी यही करता है। आपने लीच तो देखा होगा, लीच, लीच क्या करता है वो सकर से ही तो हमारी बॉडी में ऐसे चिपक जाता है इस तरीके से, तो सकर से ऐसे चिपका लेता है और ब्लड को सक करता रहता है। सक का मतलब होता है क्या, चूसना, तो उसी से वर्ड आया क्या, सकर। ठीक है, ये ER होगा सर बेटा, सकर। ठीक है, आ गया बेटा पॉइंट। तो सक से एक तो अटैचमेंट का मिला और दूसरा क्या करेगा, फूड को भी क्या कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा। क्लियर हुआ बेटा, बोलो भाई। यस, वेरी गुड। तीसरा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसमें कुछ हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पड़ा हुआ है, तो जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, वैसे ये भी वहां पड़ा हुआ है। जब हम फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे तो इसका बॉडी सरफेस सीधे डायरेक्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कुछ लोगों के अंदर दिमाग में ये भी सर आ रहा होगा कि सर जब ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में रहता है तो जो हमारे जूस में एंजाइम्स मौजूद होते हैं जब भोजन को डाइजेस्ट कर देते तो फिर इनको क्यों नहीं डाइजेस्ट करते, इसको क्यों नहीं मारते। हाँ, ये दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा। तो क्या होता है बेटा, थिक इंटेगमेंट, चौथा लिखिए, थिक इंटेगमेंट, थिक इन सर हमारे एंड फ्रॉड के थ्रू आता जी क्या, ये क्या तनिषा क्या पूछ रहे बेटा, हम नहीं समझ पा रहे। हाँ, हमारे अंदर फूड के थ्रू आता है क्या, ये पूछ रहे हो। हाँ यस, जो हम लोग जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है ना, उसी के साथ हमारे अंदर आता है। इसके स्पोर्स आ जाते हैं छोटे छोटे, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अंडे कह सकते हो, तो वो हमारे अंदर आ जाते हैं, उससे डेवलपमेंट होता है। तो थिक इंटेगमेंट ब्रैकेट में लिख लो, इसके ब्रैकेट में क्या लिख लिया, प्रिवेंट इट, प्रिवेंट इट फ्रॉम डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ होस्ट। तो जिसके अंदर रहता है वो होस्ट कहलाएगा, तो होस्ट के द्वारा जो भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज किए जाएंगे सर फिर तो डिजीज भी काज करते होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात बेटा, डायरिया वगैरह बीच बीच में स्टार्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन में घाव से छोटे छोटे हो जाते हैं, ब्लड वगैरह भी साफ निकलेगा, है ना, बस यही प्रॉब्लम होती, बहुत ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं होती, बट हाँ लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, आप थोड़ा सा वीक होंगे। वीक इसलिए होंगे क्योंकि खाना तो ये खा ले रहा है आपका, मैक्सिमम चीजें नहीं लेकिन हाँ जो भी आप खा रहे हो उसमें सब कुछ पोर्शन तो ये ले ही रहा है। ठीक है, नोट कर लो बेटा, बस ये है इसका पैरासिटिक एडाप्टेशन, इसी बदौलत इन्हीं कैरेक्टर की बदौलत ये हमारी एलिमेंट निकाल में रुक पाता है। अरे भाई कोई भी कहीं बसेगा, बसना चाहता है कहीं पर भी, अपने घर बसाना चाहता है, रुकना चाहता है, तो वो अपने खाने पीने की चीजें तो जरूर देखता है ना सबसे पहले, तो खाने पीने की चीज तो मिल ही रहा है, तो यही तो इसका एडॉप्टेशन है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, सीधा ले ले रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट बेटा, ऑल इज क्लियर बेटा, कोई दिक्कत हो बताओ।
बोलिए भाई। ओके वेरी गुड बेटा, फटाफट नोट करो फिर। सर पेट में, हाँ किसी ने डाला था मैसेज पेट में, आगे दिखाई नहीं मुझे, क्या पूछना चाह रहा बेटा। ये निकलता कैसे है? आप फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, फीकल मैटर जो निकालते हो ना, इसके बच्चे उसी के साथ बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल पार्ट एक ही अंदर मौजूद होते हैं, तो जब मेल फीमेल पार्ट एक ही बॉडी मौजूद है तो ये हनीमून भी मनाएंगे, और हनीमून मनाएंगे तो बच्चे निकल के बाहर आएंगे फीड मटेरियल के साथ, फीकल मैटर के साथ, और वही बच्चे फीकल मैटर जब सूख जाता है उड़ी गई हवा के साथ स्पोर्स आ जाते हैं हवा में, और जो भी आप सड़क किनारे बढ़िया खाना टेस्टी वाला खाते हो, चाट लगाते, वाह मजा आ गया यार, बहुत अच्छा था बतासे का पानी, यानी पानी पूरी वाला, या जो तुम लोग चाट खाते हो बढ़िया टिक्की, उसके साथ साथ इसको भी ले जाते हो आप अंदर, ठीक है, इसके स्पोर्स इस तरह से फैलता है। चलो कोई नहीं, नोट कर लो फटाफट, सारा हो गया, चलिए आगे बात करते हैं फिर। डालो बेटा, अरे भाई कोई रिप्लाई नहीं दे रहे यार आप लोग, मैं डाल दूं क्या? इसका एक्सट्रीशन जो होता है, एक टाइप की सेल पाई जाती है इसमें, उसको बोलते हैं एक्सट्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, दोनों फ्लेम सेल्स, वेरी गुड तनिषा, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सट्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों लिख लो, एक्सट्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। एक बात ध्यान दो बेटा, जब हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, तो वहां पर यूरिन बेसिकली जो आप निकालते हो अपनी बॉडी से बेटा, तो यूरिन के साथ वेस्ट मटेरियल भी हमारा निकलता है, तो अब आप जब यूरिन पास करते हो तो उसमें वाटर भी तो होता है, तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल कहीं हमारी बॉडी का कंसेंट्रेशन बेकार ना कर दें, खराब ना कर दें, इसकी वजह से ही यूरिनेशन करना पड़ता है, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं थी, ताकि हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन क्या रहे, मेंटेन रहे, तभी यहां पर बोला गया एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन रेगुलेट किए रहना, मेंटेन किए रहना, ठीक है ना, और साथ साथ एक्सक्रीशन भी हो जाता है। हाँ यस यस, साल्ट अमाउंट वगैरह, यानी बॉडी में जो चीजें जितनी अमाउंट में होती है वो उतनी बनी रहे, है ना, उसको बनाए रखना ही ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन कर रहे हो तो वेस्ट मटेरियल भी निकाल रहे हो, साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन भी हो रहा है, बस एक ही पॉइंट आपको खाली लिखना है बेटा, अकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स, नोट कर लो बेटा। हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने कहा एब्सेंट ही होता है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं, जैसे हम टेपवर्म को ही ले लें तो वो एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में तो एयर वहां जाती नहीं, ऑक्सीजन तो जाती नहीं, इसलिए रेस्पिरेशन इसको एनारोबिक ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे बेटा हेडिंग नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी हमारे प्लेटी हेलमेंट्रीज का नर्वस सिस्टम कैसे होता है, नेक्स्ट करेक्टर बेटा, करेक्टर का नंबर डालते रहना है ना,
जैसे थोड़ी देर के लिए बेटा देखिए, हम ये प्लेनेरिया का डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, यस यस कोई नहीं बेटा, तो अब इसको फिफ्थ पॉइंट बना लो। पांचवा, अब इस प्लेनेरिया का डायग्राम आप देखिए भाई, नर्वस सिस्टम देखने जा रहे हैं। देखिए ये, देखिए ये है इसका नर्वस सिस्टम। तो अगर हम ये चीज हटा दें यहां से ऐसे ये चीज, तो आपको नहीं लग रहा कि एक सीढ़ी से नजर आ रही है, लैडर नजर आ रही है? यस, तो लैडर लाइक होता है। हाँ ड्रॉ कर लो बेटा, इसको ड्रॉ कर लो, क्योंकि इसमें कोई लिखाना नहीं चाहता, बस ड्रॉ करोगे तो ये याद रहेगा बेसिकली आपको। बेसिकली पेड गैंगलिया ठीक है, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड 1, 2, 3 पेड, एक से तीन पेड होती नर्व कॉर्ड, और यही क्या बनाएंगे, नर्वस सिस्टम। यही क्या बनाएंगे, नर्वस सिस्टम। हो गया नर्वस सिस्टम, बाकी कोई लिखाना नहीं, हमें सिर्फ यहां एक पॉइंट ये लिखाना कि इट इज लैडर लाइक। हो गया लैडर लाइक, बनता किससे नर्वस सिस्टम आपके सामने। गैंग्लिया बिल्कुल वैसे ही काम, गैंग्लिया एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का, बिल्कुल ऐसे गांठ जैसा, जैसा हमारे अंदर ब्रेन का काम होता है वैसे यहां पर गैंग्लिया का काम होता है। तो ब्रेनिया, गैंग्लिया कैन बी कंसिडर्ड एज ब्रेन ठीक है। जल्दी करो बेटा ताकि इसको कल फिनिश कर लेंगे, ये दो लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, आप लोग अगर साथ दोगे तो। मिटा लो बेटा, तो नर्वस सिस्टम लैडर लाइक है, पेयर्ड गैंग्लिया और 1, 2, 3 पेयर्ड नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड ऐसे लंबाई में ऐसे ऐसे होंगी है ना, नर्व कॉर्ड, कॉर्ड मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर ठीक है। और ये इसका नाम लिख लीजिए बेटा, ये जो होता है इसको कनेक्टिव बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, कनेक्टिव, या कमीसर भी कह सकते हो, कमीसर, कनेक्टिव और कमीशन। कमीसर टर्म सिर्फ नर्वस सिस्टम में ही यूज किया जाता है कनेक्शन के लिए, जो सेम पार्ट को जोड़े, सेम स्ट्रक्चर को जोड़े, उसके लिए नर्वस सिस्टम में कमीसर टर्म यूज किया जाता है। हो गया, चलो इस वीक के हम लोग तो पांचों दिन मिलेंगे ना आपसे, क्यों नो नहीं मिलेंगे, अच्छा चलो कोई नहीं, ओके चेष्टा कोई नहीं, फिर भी हम लोग मिलेंगे कैसे, डीपीपी के द्वारा, ओके चलो। अगर नहीं भी होगा तो, वैसे तो हमें लगता है पांचों दिन है, फिर भी मैं भी देख लेता हूँ, पूछ लूंगा सर से, कोई बात नहीं, चलिए देखते फटाफट बेटा, इसके बाद डालेंगे आगे फटाफट रिप्रोडक्शन। भैया ये होते क्या हैं, प्लैटीहेलमिन्थीज, प्लैटीहेलमिन्थीज आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, या फिर आप इन्हीं को मोनोएसियस बोल सकते हो, मोनोएसियस, या फिर क्या कह सकते हो,
बाइसेक्सुअल है ना, और बाइसेक्सुअल, अरे प्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल मींस होगा, अकर्स वाया सेक्सुअल मींस, यानी स्पर्म और ओवम बनेंगे। अब यहीं पर नोट में एक बात आ जाती है, प्लेनेरिया आप कहते हो सर उसके अंदर सबसे ज्यादा रीजनेशन पावर पाई जाती है, हायर रीजनेशन पावर इन प्लेनेरिया, या प्लेनेरिया को ही बेटा डुजेशिया भी बोलते हैं, इन प्लेनेरिया ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ब्रेक में लिखिए एसेक्सुअल प्रोडक्शन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ब्रेक में इसके लिखना है एसेक्सुअल प्रोडक्शन इज फाउंड, नोट कर लो बेटा। प्लेटेलमेंथिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन प्लेनेरिया जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और, यहाँ पर आपने लिखा बाइसेक्सुअल, एक्सेप्ट जोड़ लो बेटा, एक्सेप्ट सिस्टोसोमा, एक्सेप्ट सिस्टोमा, ठीक है ना, ये क्या होता है यूनिसेक्सुअल, ये पॉइंट जोड़ लीजिए फटाफट बेटा, लिख लीजिए आ गए पॉइंट समझ में। तो सिस्टोमा जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी सारे प्लेटेलमेंथिस बाइसेक्सुअल होते हैं, या हर्माफ्रोडाइट कह सकते हो या मोनोसिस कह सकते हो, इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल मींस के द्वारा होता है, लेकिन एक प्लेटेलमेंथिस दैट इज प्लेनेरिया जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। नोट नंबर सेकेंड, इन प्लेनेरिया, नोट नंबर वन, नोट नंबर टू, प्लेनेरिया हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, प्लेनेरिया हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, नोट कर लो बेटा।